दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी भगवान को, किसी न किसी ईष्ट को अवश्य ही समर्पित रहता है और हर एक दिन का कुछ न कुछ नियम अवश्य ही मौजूद रहता है। खास करके जो मंगलवार का दिन होता है, अगर मंगलवार के दिन खास तौर पर कुछ खास विशेष काम किए जाते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर अगर कुछ गलतियों को कर दिया जाता है तो इससे कर्ज की समस्याएं और ऐसे संकट घेरने लग जाते हैं कि कहीं से भी निकलने का रास्ता मिल भी नहीं पाता है। और यही समस्या बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं से संकट और समस्याएं ऐसे उन्हें घेर लेती हैं कि फिर वह लाख प्रयास करते हैं और उनसे निकल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन कुछ खास कार्यों को निषेध बताया गया है और जाने अनजाने में लोग इन्हीं गलतियों को कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी के दिन मंगलवार के दिन कौन कौन से खास कार्यों को करना है और कौन कौन से खास कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस जानकारी को बड़े ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि ये बड़े ज्यादा काम की जानकारी है जो हर एक व्यक्ति को निश्चित ही जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान अवश्य ही लिख दें, जय श्री राम लिख दें, क्योंकि राम भगवान का नाम हनुमान जी को अति प्रिय कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको ये बता दें कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जो लगातार बीमार पड़ता है और उसे दवाइयों का असर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव होते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर दवाइयां असर ही नहीं करती हैं और कुछ ना कुछ रोग, बीमारी या शारीरिक पीड़ा उसे हमेशा ही घेर के रखती है, जैसे कि बदन में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कहीं घुटनों में, कहीं नसों में दर्द होना, या फिर कुछ ना कुछ रोग उसे ऐसे घेरते हैं जो खून से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह के दोष अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति लगातार बीमार पड़ता रहता है, चाहे जितनी दवाइयां खाए, कितनी भी सेहतमंद चीजें ही क्यों ना खाए, कितना भी उपचार ही क्यों ना कराए, उसे बीमारियां कहीं ना कहीं से घेर ही लेती हैं। इसीलिए मंगलवार का जो व्रत है वह काफी ज्यादा विशेष बताया जाता है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या होती है या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे ये समस्याएं होती हैं, तो आप उसे अवश्य ही बताएं और हनुमान जी के व्रत रखने को अवश्य ही बोल दें, क्योंकि इससे न केवल सेहत में सुधार होता है, मानसिक सुधार होता है और हनुमान जी के व्रत रखने से बल की, बुद्धि की, विद्या की तीनों की ही प्राप्ति होती है। और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में बल की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, विद्या की भी जरूरत है, और अगर किसी व्यक्ति में इन तीनों चीजों की कमी हो जाए या एक चीज की भी अगर कमी हो तो उसे निराशा और स्ट्रगल का ही सामना करना पड़ता है। तो मंगलवार का व्रत अवश्य ही रखें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि केवल हनुमान जी ही बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही देने में संभव होते हैं। और यही वजह रहती है कि अगर आपने देखा हो तो जहाँ पर पहलवान पहलवानी करते हैं वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति और हनुमान जी की भक्ति करना एक तरह से उनके लिए नियम के समान होता है, यानी कि जितनी वह प्रैक्टिस करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, उतना ही उन्हें हनुमान जी की भक्ति में लीन होना भी आवश्यक है, क्योंकि तभी वह पहलवान बन सकते हैं। और पहले के जमाने में इसी प्रकार अगर किया जाता था तो उन लोगों में किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा देखने को नहीं मिलती थी। वहीं दूसरी ओर आज की डेट में काफी लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उनके जीवन से कुछ खास चीजें लुप्त हो जाने के कारण वे बिल्कुल बाहर से तो सेहतमंद दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले ही होते हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि आज की डेट में जो जवान लोग भी हैं उन्हें दिल के दौरे पड़ जाते हैं, वे सुसाइड कर लेते हैं, इतने अंदर से कमजोर होते हैं। और ये यही वजह हो सकती है कि उनके अंदर जो भक्ति है वह बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसीलिए भक्ति को काफी ज्यादा विशेष और खास इसीलिए बताया जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वह अपने जीवन में कभी भी, पहली बात तो उसका फायदा ये होता है कि वह कभी अपने जीवन में ना तो सुसाइड कर सकता है, ना ही हार सकता है, और ना ही उसे कोई बड़ी से बड़ी परेशानी या समस्या उसका अनिष्ट कर सकती है। इसीलिए वो लोग बेहद शक्तिशाली होते हैं जिनके मन में भक्ति भाव होता है। और इस चीज को आप स्वयं भी देख सकते हैं, अपने आसपास ही देख सकते हैं, न्यूज में देख सकते हैं कि जो लोग जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन अगर उनके मन में भक्ति का भाव नहीं होता है और चाहे वे कितने भी अमीर होते हैं तो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, परेशानी उन्हें घेर के रखती है, कष्ट उन्हें इस प्रकार घेर के रखते हैं कि वे जिंदगी से भी हार जाते हैं और हार ही मान लेते हैं और सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये जितनी चीजें होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को, खुद को संकट में फंसा हुआ पाता है, ये मंगल ग्रह के दोष के कारण होता है और हनुमान जी की कृपा से यही दोष बिल्कुल दूर होता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है, मन होता है, वह बड़ा ही ज्यादा चंचल होता है, जो एक जगह पर टिकता नहीं है, वह लगातार नई नई चीजों को सीखते हैं। इसीलिए हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ना और सिखाना, उन्हें उसकी आदत डालना बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। तो अवश्य ही जो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा की पढ़ने की आदत आप डाल दें,
बाकी कार्य हनुमान जी ही कर लेंगे और वह कर ही लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, बजरंग बाण का पाठ कर सकता है, उससे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं और वह भली भांति आपको बता भी सकता है कि बस आपको हनुमान जी की प्रति भक्ति लाने की आवश्यकता है, बाकी कार्य तो राम भक्त हनुमान स्वयं ही कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार मंगलवार के दिन कुछ खास चीजों को निषेध बताया गया है जो बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि मंगलवार के दिन किसी को पैसे ना दें, किसी से उधार ना लें, क्योंकि अगर मंगलवार के दिन किसी को आप पैसे उधार दे देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलता नहीं है तो ये तनाव उत्पन्न करेगा, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे उधार दे देते हैं और आपको मिलता नहीं है तो ये एक तरह से आपको ही कर्ज में डाल देता है, तो आप तो कर्ज में पड़ना चाहेंगे नहीं। तो इसीलिए मंगलवार के दिन ना तो किसी को पैसे दें, ना ही किसी से उधार लें, खुद भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर कर्ज आप ले लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि कर्ज की जो समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है और लगातार ऐसे घेरती है कि कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता है, बल्कि इसी गलती को जाने अनजाने में जिन लोगों ने कर दिया है तो उनके जीवन में वह कर्ज से बहुत ही मुश्किल से उभर पाते हैं। पर कर्ज की समस्या तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिस व्यक्ति के जीवन में हो जाए उसका दुख और उसका दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है। तो ये जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखा करें, ये बड़ी ही ज़्यादा खास बातें होती हैं जिनका असर अदृश्य रूप से अनजाने रूप से पड़ जाता है, और अनजाने रूप से ही पड़ने के कारण जीवन में कष्ट उस व्यक्ति को घेरते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार लोहे की जो चीज़ें हैं, नया वाहन आदि वगैरह बिल्कुल भी ना खरीदें इस दिन। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वह बिल्कुल भी ना करें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे नया जो वाहन होता है, लोहे की जो चीज़ें होती हैं, नेल कटर, छुरी, चाकू आदि वगैरह, या जितनी चीज़ें होती हैं, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन, या घर में किसी भी प्रकार की लोहे की चीज़ बिल्कुल भी आप मंगलवार के दिन लेकर ना आएं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है, शनि ग्रह का दुष्प्रभाव भी तुरंत ही लग जाता है, और उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा योग फिर बन जाता है कि कहीं ना कहीं से उसे संकट घेर ही लेता है और उसे ढूंढकर आ ही जाता है। फिर जब एक बार कोई व्यक्ति संकट में पड़ जाता है तो वह निकलने का वहां से बस रास्ता ही ढूंढता रहता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। तो मंगलवार के दिन लोहे का सामान तो बिल्कुल भी ना खरीदें, खास करके अपने घर में भी ना लेकर आएं, क्योंकि बस इसी से काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार नाखून काटना, बाल काटना, शेविंग बनाना भी मंगलवार के दिन वर्जित बताया जाता है, और इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना करें। अगर मंगलवार के दिन आप शेविंग बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, तो इसी से सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का फिर सामना करना पड़ता है। फिजूल खर्च इसी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा निराशा इसी से बढ़ती है, तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के मन में या उसके शारीरिक रूप से कोई बीमारी उसे लग जाए तो वह तनाव में ही फिर पूरा दिन डूबा रहता है, वह चाहे उसके जीवन में कुछ भी हो फिर वह खुश नहीं रह पाता है। तो इन चीज़ों को अवश्य ही ध्यान रखा करें और कोशिश करें कि मंगलवार का व्रत तो अवश्य ही पकड़ लें, क्योंकि मंगलवार का व्रत अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसके जीवन में जो दुष्प्रभाव, जैसे कि संकट, जो कार्य रुके पड़े रहते हैं, उनमें बाधाएं होती हैं, अड़चनें होती हैं और हो ही नहीं पाते हैं, तो मंगलवार का व्रत अगर आप रख लेते हैं और रखना शुरू कर देते हैं तो हर एक कार्य जो रुका हुआ होता है और हर एक संकट जिसने भी आपको पकड़ा हुआ है वो बिल्कुल निश्चित हटने शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर मंगलवार के दिन तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, बल्कि बजरंग बाण का पाठ करते हुए अगर हनुमान जी की आरती उतारी जाती है तो जितनी बार आरती को घुमाया जाता है ये समझ लें कि उतनी बार ही आपके जीवन से कष्ट उतरते हैं, संकट उतरते हैं, पीड़ाएं उतर जाती हैं और संपूर्ण दुखी बिल्कुल उतर जाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं तो मंगलवार के दिन कपूर में लौंग डालकर बजरंग बाण पढ़ते हुए हनुमान जी की आरती उतारा करें। ठीक इसी प्रकार सरसों के तेल में भी लौंग डालकर आरती उतारी जा सकती है। बिल्कुल सुबह सुबह नहा धोकर बिल्कुल इसी प्रकार पूजा पाठ में अगर आप ये चीज़ों को करते हैं तो ये मान लीजिए कि मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव तो दूर हो ही जाएंगे, बल्कि शनि ग्रह से भी अगर आपको दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह के दुष्प्रभाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी उभार नहीं हो पाता है, बस जो भी होता है वह नीचे ही गिरता चला जाता है, उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हमने आपको बताया है जो मंगलवार के दिन करना है और इन्हीं चीज़ों को अगर शनिवार के दिन भी किया जाता है तो इससे भी शनि ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं वह तुरंत दूर होते हैं। तो जरूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।